नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, माय हेल्थ कंपेनियंस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करी होई वेगी नास। इस दोहे का अर्थ है कि अगर सलाह देने वाला हमारा शिक्षक और वैद्य मतलब डॉक्टर, ये तीनों अगर आपको प्रिय लगने के कारण सच बोलना बंद कर दें कि आपको बुरा न लग जाए, तो आपके राज्य का, आपके धर्म का और आपके शरीर का नाश हो जाता है। क्योंकि डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास नियमित नहीं जा सकते, तो ऐसी चार चीज़ें हैं जो हम अपने घर में रख सकते हैं, जो हमेशा हमें सच बताएंगी, चाहे वो सच कितना भी अप्रिय लगे, कितना भी बुरा लगे। बस हमें ये क्षमता होनी चाहिए कि हम उस सच को देख सकें, स्वीकार कर सकें और उसको आगे अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए उस पर काम कर सकें। ये चार चीज़ें हैं। पहला, आपके पास एक स्टेप काउंटर या फिटनेस बैंड होना चाहिए जो बता सके कि दिन भर में आप कितना चले। कोई कितना भी कहे कि आपने कितना एक्सरसाइज किया है, पर ये आपको सच बताएगा कि आज दिन भर में आपने कितने कदम चले हैं। दूसरा है ग्लूकोमीटर, जो आपके ब्लड शुगर को नापता है। ये हर घर में होना चाहिए, हर व्यक्ति को कम से कम हफ्ते दो हफ्ते में एक बार अपना शुगर चेक करना चाहिए। तीसरा है वजन नापने की मशीन। ये बहुत छोटे छोटे साधन हैं, लेकिन ये आपको सच बताएंगे कि आपका वजन कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है और कितना होना चाहिए, आप अपने लक्ष्य से कितने दूर हैं। और चौथा है ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट या ब्लड प्रेशर नापने की मशीन। आज मैं बात करूंगा ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को समझेंगे कि हम ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है और ब्लड प्रेशर की ग्रेडिंग क्या है। ब्लड प्रेशर मतलब हमारे नसों में बहने वाला खून का दबाव। हमारे जो खून की नसें होती हैं, जिनको हम आर्टरी कहते हैं, इस आर्टरी के अंदर जब हमारा दिल धड़कता है तो खून पंप होता है। जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो खून बहुत तेज़ी से बहता है, और फिर जब रिलैक्स होता है तो खून धीमी अवस्था में बहता है। जब खून तेज़ी से बहता है उस समय वो हमारे खून की दीवारों को फैलाता है। उस समय जो खून का दबाव है वो बहुत ऊपर जाता है। इस दबाव को, जो मैक्सिमम अधिकतम दबाव होता है, इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये सबसे ऊपरी एंड होता है। इसके बाद जब दिल रिलैक्स होता है तो खून का प्रवाह तो जारी रहता है, लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। जो निम्नतम न्यूनतम प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर होता है, इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हर धड़कन के साथ जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में चलता रहता है। तो जब हम इस दबाव को किसी मशीन के थ्रू नापते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये ब्लड प्रेशर मशीन होती है घर घर में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। वैसे तो ब्लड प्रेशर नापने के बहुत सारे साधन होते हैं, एक मरकरी से भी होता है, फिर एनरॉयड स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी मशीन होती है और कई तरह के आते हैं। लेकिन एक लेमैन को, एक साधारण व्यक्ति को नापने के लिए सबसे उपयुक्त साधन, सबसे सुगम साधन जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन। कंपनी बहुत मैटर नहीं करती, महत्वपूर्ण ये है कि आप ब्लड प्रेशर मशीन आपके घर में हो, ताकि आपको एक अंदाज़ा रहे कि आपका ब्लड प्रेशर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप ही नहीं आपके घर के सारे मेंबर का। इस ब्लड प्रेशर को हम कैसे नापते हैं, क्या सही विधि है, यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब भी यह खून का दबाव बढ़ जाता है एक सीमा से ज़्यादा, या जब भी यह दबाव कम हो जाता है एक सीमा से कम, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ब्लड प्रेशर नापने की सही विधि, ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम सुबह जब रिलैक्स फेज में हो, सबसे सही समय वो होता है। अदरवाइज़ दिन भर में हम कभी भी ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं जब आपको समय मिल जाए। सामान्यतया रात में और सुबह उठने के समय हमारा ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है, और दिन भर में ब्लड प्रेशर 5-10 मिलीमीटर मरकरी बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए सबसे पहली चीज़ है, आप देखें कि आपका ब्लड प्रेशर मशीन फुली चार्ज है कि नहीं। और आप जब ब्लड प्रेशर नापने के लिए आए हैं तो ये जो सेटिंग है कि एक टेबल होना चाहिए जिस टेबल पे मशीन हो, और इस मशीन का जो लेवल है वो हमारे दिल के लेवल के बराबर में हो,
दाएं हाथ से नापना है कि बाएं हाथ से नापना है। आइडियली आदर्श अवस्था में हमें दोनों हाथों में ब्लड प्रेशर नापना चाहिए एक एक करके, और अगर संभव नहीं हो, समय का अभाव हो, तो किसी भी हाथ में हम नाप सकते हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ब्लड प्रेशर नापने से पहले आपको पीठ टिका के रिलैक्स होके 5 से 10 मिनट बैठना है। अपनी सांस सामान्य करिए। आप कहीं से चल के आए और ऐसा नहीं कि तुरंत ब्लड प्रेशर नाप लिया, आपको अब बिल्कुल रिलैक्स करके 10 मिनट बैठना है और फिर ब्लड प्रेशर नापना है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए आप अपनी बाँह को स्लीव को ऊपर करें। जब आप स्लीव को ऊपर करते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये स्लीव कसे नहीं। अगर कस रही है तो बेहतर होगा कि आप अपनी कमीज़ को उतार दें, और नहीं कस रही है तो इस तरह ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम ब्लड प्रेशर मशीन के बारे में ज़रा देखेंगे। ब्लड प्रेशर मशीन में इस तरह से मार्किंग होती है, एक ऑन ऑफ का बटन होता है, एक ऊपर जो मार्कर है, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताता है, ये DIA जो है डायस्टोलिक प्रेशर बताता है, और ये हमारी धड़कन बताता है, हर मिनट कितनी धड़कन है, पल्स बताता है। किसी भी ब्लड प्रेशर कफ में सामान्यतया ये चित्र बना होता है। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो हाथ का चित्र बना हुआ है, और ये एक लाइन खींची हुई है जो हाथ के बीचों बीच है। ये ट्यूबिंग जो है यही हवा को इसमें ले जाती है और इसको भरती है, और जो इसका BP नापने का सेंसर होता है वो भी इस ट्यूबिंग के पास होता है। और हमारे हाथ में जो खून की नस होती है जिसमें हम BP नापते हैं, वो भी इस कोहनी के बीचों बीच ऑलमोस्ट चलती है इस पॉइंट पे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सेंसर है और ये ट्यूबिंग और ये आर्टरी जो नस है, ये एक दूसरे को कोइंसाइड करे, एक दूसरे के ऊपर हो। तो बीपी कफ बांधने के लिए ये मैंने इस तरह से यहाँ बांधा। कितना ऊपर बांधना चाहिए, तो इसका है कि हाथ की जो कोहनी का मोड़ है उससे करीब करीब 1 इंच ऊपर, बस इस जगह पे। और ये जो ट्यूबिंग है ये इस जगह होनी चाहिए, जैसा मैंने बताया था कि आर्टरी के ऊपर 1 इंच ऊपर बांधा, और इस तरह से मैंने इसको कस लिया। कितना कसाव होना चाहिए, तो सामान्यतः अगर हम एक फिंगर आराम से घुसा पा रहे हैं अंदर, तो ये एडिक्वेट कसाव है। जस्ट ये हमारे स्किन से लगा हुआ होना चाहिए, चमड़ी से लगी होनी चाहिए। अब ब्लड प्रेशर नापने बहुत ही आसान है, हमने रिलैक्स कर लिया और ये मैंने ब्लड प्रेशर का बटन दबाया। ये देखिए ब्लड प्रेशर आया, ये आया है 132 सिस्टोलिक, 87 डायस्टोलिक, और पल्स रेट 77 प्रति मिनट। ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हम मार्क कर लें। एक बात ध्यान रखने की है कि हम बार बार ब्लड प्रेशर ना लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे रोगियों के मुंह से सुना है कि सर हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, अभी लिया तो कुछ और, 2 मिनट बाद लिया तो कुछ और, बहुत फ़र्क आता है। चूँकि ब्लड प्रेशर एक डायनेमिक रीडिंग है, मतलब कि समय के साथ वो बदलता रहता है, इसलिए हम एक रीडिंग ले लें और उसे नोट कर लें। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम डेली या जितने भी अंतराल पे ब्लड प्रेशर लेते हैं, हर बार अगर BP बढ़ा हुआ आता है तो हमें कंसल्ट करने की आवश्यकता है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर एकाध बार कोई हाई रीडिंग आ गई तो उससे जस्ट सावधान होने की ज़रूरत है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम घबरा ना जाएँ उससे और उस पर रिएक्ट ना करें इतना सीरियसली, अनलेस कि वो BP बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है, 160 170 इस रेंज में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, अगर उस समय हमारे शरीर में किसी तरह की चोट है, या हमें सिरदर्द हो रहा है, या किसी तरह की घबराहट है, किसी तरह का अनइजीनेस है अगर, तो वो एक रिफ्लेक्स सिस्टम होता है बॉडी का कि हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ आ सकता है। तो आवश्यक नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर आपका वास्तविक ब्लड प्रेशर हो। जब आपका दर्द ठीक हो जाए, जब आपका वो जो परेशानी है वो ठीक हो जाए, उसके बाद आप नापेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर सामान्य आ सकता है। तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग, एक रीडिंग से कुछ भी निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे नोट कर लें और फिर कुछ दिन, एक दिन के बाद या 10 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जब आप रिलैक्स हों, एक बार फिर नाप के देखें। तुरंत तुरंत बार बार ब्लड प्रेशर नापने से कोई भी हल नहीं निकलता। और एक बार आपने ब्लड प्रेशर नाप लिया, अब आपको ये जानना है कि ये ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। तो जैसा कि अधिकांशतः लोगों को पता होता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वह 120/80 होता है।
120 बाई 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जैसे ही हम इस सीमा को क्रॉस करते हैं, मतलब अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर, जो सिस्टोलिक की बात कर रहा हूँ, और 139 तक अगर हमारा ब्लड प्रेशर रह रहा है, या जो नीचे वाली वैल्यू है डायस्टोलिक, वो अगर 81 से लेके 89 तक रह रही है, तो हम इसको, ऐसे व्यक्तियों को प्री हाइपरटेंसिव कहते हैं। मतलब आप में हाइपरटेंशन बीपी होने के संभावना बढ़ गई है और आप निकट भविष्य में ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं। यदि आपका ब्लड प्रेशर 140 या उससे ऊपर है और 159 तक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला, इसी तरह अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाला ब्लड प्रेशर आपका 90 या उससे लेकर 99 तक है, तो इसको हम स्टेज वन हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे भी ज़्यादा है, मतलब 160 से ऊपर है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो 100 या उससे ऊपर है, तो हम इसको स्टेज टू हाइपरटेंशन कहते हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है, आपके सारे अंगों को नुकसान होना शुरू हो चुका है। ब्लड प्रेशर को मेडिकल भाषा में साइलेंट किलर कहा जाता है। इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये एक सामान्य व्यक्ति को ये पता भी नहीं चलता कि उसको ब्लड प्रेशर हो चुका है। ब्लड प्रेशर की वजह से उसके शरीर में बहुत तरह के नुकसान प्रारंभ हो चुके हैं और वो अपने को नॉर्मल स्वस्थ समझ के अपनी सारी गतिविधि करता रहता है, जब तक कि उसको डैमेज बहुत सीमा से ज़्यादा बढ़ नहीं जाते। इसीलिए, और कभी कभी जानलेवा इसके परिणाम भी होते हैं, जैसे हार्ट अटैक या पैरालिसिस का अटैक। इस कारण से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। तो आज हमने सीखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर नापने की सही विधि क्या होती है, और ब्लड प्रेशर को किस तरह ग्रेड करते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है हमें, कैसे हम ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं, और ब्लड प्रेशर किस तरह से हमारे शरीर को धीमे धीमे सारे अंगों को कैसे डैमेज करता है, और इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। फिर से ले चलूँगा आपको किसी नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।